और इसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप इसको टच करते हैं ना तो आप इस यूनिवर्सिटी से पास नहीं हो सकते। अल्लाह ना करे मैं फेल हो जाऊँ, लेकिन मैंने टच कर दिया। ये कोई पुराना इनका हीरो होगा, इसी वजह से यहाँ स्टैचू बनाते हैं जो भी इनके हीरो होते हैं ना उनके। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माई चैनल, फॉर दोज हु आर न्यू वेलकम टू माई चैनल। तो आज बहुत ठंड है और आज बारिश भी हो रही है, और यहाँ पे साउथ अमेरिका चिली में बारिश को कहते हैं यूविया। तो यूविया का मतलब है जी बारिश, तो यूएविया का मतलब है बारिश हो रही है। तो आज बारिश हो रही है और मैंने सोचा आपके साथ मैं आज का वेदर शेयर करूं। और अभी मैं जा रहा हूं जी अपनी लैब, अभी रास्ते में हूं, ये देखें, चलते हैं जी लैब और वहाँ जा कर मैं आपको दिखाता हूँ अभी रास्ते के। मैं आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें, आपका शुक्रिया। देखिए जी, जब यहाँ पे बारिश होती है ना मौसम बहुत प्यारा हो जाता है, सुहाना सा हो जाता है और थोड़ी थोड़ी फुहार है, ये तेज़ बारिश भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी जो बूंदें हैं ना वो पड़ती हैं ना, बड़ा मज़ा आता है। हालांकि यहाँ पे ठंड है बहुत ज़्यादा। मई जून जुलाई ये तीन मंथ होते हैं जो पाकिस्तान में समर के होते हैं, लेकिन यहाँ साउथ अमेरिका चिली में ये तीन मंथ सर्दियों के होते हैं और फुल बटा फुल ठंड पड़ती है, फुल बटा फुल। What? Bro, what are you talking about, man? उल्टी हिसाब है इसका, इसका मुझे आइडिया एग्जैक्ट नहीं है, अभी मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है पूरी। अगर आपको भी पता है कि ये ऐसा क्यों है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है, वरना मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके आपके साथ ज़रूर शेयर। अभी जी आवाम को छुट्टी हो गई है, ये देखें आ रहे हैं आवाम छुट्टी करके यूनिवर्सिटी से, और ये जो रोड है ना ये इतनी याद होगी हमें, रोज़ाना जो गुजरना होता है इतनी याद होगी ना हमें कि हमें ये पता है कि इस रोड पे कितने लगे हुए हैं ये जो ट्रीज़ हैं, ये तकरीबन 200 होंगे टोटल, वो एंड तक 200 ट्रीज़ होंगे, इतना हमें ये पता चल चुका है। ये देखें जी यहाँ पे सेम टू सेम पाकिस्तान की तरह ट्रांसफार्मर है जी, सेम वही, और तारें भी ऐसे ही उल्ट पुल्ट लटकी रहती हैं कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अच्छा जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ की ये सिटी के अंदर ही चलती है ये वाली बस, तो ये स्टूडेंट्स को लेके जहाँ भी उन्होंने जाना होता है फिर वो जाते हैं। और इसके अलावा जी यहाँ रोड सिग्नल्स को बड़ा फॉलो किया जाता है, और ये देखें अभी रोड सिग्नल जो है ये वाला रोड साइन ये अभी क्लोज है, तो सारी आवाम जा रही है और ये ओपन होने ही लगा है, ये देखें ब्लिंक आ रहा है ना, भागो, मैं अभी भाग भाग के जाता हूँ, उधर भी ब्लॉक हुई पड़ी है, उधर भी ट्रैफिक जो है वो खड़ी हुई है। चलें जी, शाम का टाइम है ना इसी वजह से ये लाइट्स भी ऑन हो चुकी हैं गाड़ियों की। आप लोगों की मुझे रिक्वेस्ट आई थी बहुत ज़्यादा कि भाई एजुकेशन सिस्टम पे व्लॉग बनाएं, यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, तो वो भी मैं बनाऊंगा यार, आजकल ना थोड़ा बिजी हूँ इसी वजह से व्लॉग जो हैं वो प्रॉपर और कंसिस्टेंसी के साथ नहीं आ रहे, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं एडिट करता हूँ तो फिर मैं अपलोड कर देता हूँ, तो आप ज़रूर देखा करें। आजकल व्यूज़ भी नहीं आ रहे, वो इसी वजह से नहीं आ रहे क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपलोड कर दिया करूँगा। तो अभी तो ये गाड़ियाँ देखें आप, कितनी बेहतरीन किस्म की गाड़ियाँ हैं यार इनके पास, कमाल। ये जैगवार है, कुड़ी कहती मैनू पहला जैगवार ले दियो, पहले पढ़ो तो फिर जैगवार लो। चार बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। ये भी बड़ी बेहतरीन गाड़ी है यार, कितनी प्यारी है, ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये सारी फैकल्टी मेंबर्स की हैं और एक दूसरे से बढ़ बढ़ के, ये देखें यहाँ भी खड़ी हुई हैं गाड़ियाँ, वाओ कितनी नाइस गाड़ी है। ये जो है ना ये पाथ यहाँ पे आपको नज़र आएगा, तो ये जो जालियाँ ना ये इसके अंदर से एक रास्ता है, तो वहाँ से आप आ सकते हैं जी अंदर, मेन गेट से भी आ सकते हैं लेकिन ये चोर रास्ता है, यहाँ से भी आप आ सकते हैं। इसके अलावा जी कितना सुकून है, बिल्कुल देखें खामोशी है, खामोशी छाई हुई है, ये नीले कलर की बिल्डिंग, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, ये साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट है, साइकोलॉजी का सॉरी
ये साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट है, ये वाला, ये ब्लू और येलो आर्ट डिपार्टमेंट के डिफरेंट कलर हैं। यहाँ पे लाइट्स जो हैं वो टर्न ऑन हो चुकी हैं और इसी वजह से हमारा कैंपस जो है यूनिवर्सिटी का बड़ा प्यारा हो चुका है। वो उधर मैं जा रहा हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या है। ये भी एक जो है ना, वो कहते हैं कि इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये जो रेड रेड नज़र आ रहा है ना आपको, ये वाला। चलें जी उसके पास चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। मैं इसके पास पहुँच चुका हूँ और इसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप इसको टच करते हैं ना तो आप इस यूनिवर्सिटी से, ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ टलका है ना, यहाँ से आप पास नहीं हो सकते। तो इस वजह से इसको कहता है कि ये थोड़ा अनलक्की साइन है, आप अगर इसको टच करेंगे तो आप इतने अच्छे ग्रेड से पास नहीं हो सकेंगे। लेकिन कोई नहीं, खैर आज इसको टच करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अल्लाह ना करे मैं फेल हो जाऊँ, लेकिन मैंने टच कर दिया यार। ये कोई इनका हीरो था, ये सर्जियो कैस्टिलो। इसको यहाँ पे ना डबल एल को ये पढ़ते हैं ना स्पेनिश में, सर्जियो कैस्टिलो पढ़ेंगे। तो ये साइन इसकी याद पे ये बनाया गया, ये 1925 से लेके 2010 तक ये कोई इनका हीरो था, इसी वजह से ये साइन इसी की याद में बनाया गया है। इसके अलावा जी ग्रीनरी देख लें, ये देखें कितने ग्रीन ग्रीन है यार कैंपस, और जो इतने ज़्यादा पेड़ है ना, ये और ही हमारे कैंपस को दुबला कर। कुछ पेड़ सूख भी चुके हैं क्योंकि सर्दियां चल रही हैं ना फुल, तो इसी वजह से, सर्दियों की वजह से ये सूख गए हैं। अगर गर्मियां होती तो ये हरे भरे होते। यार देखें कितने ग्रीन है कसम से, पाकिस्तान में अगर इतनी ग्रीनरी हो ना। ये देखें जी, ये इसको क्या कहते हैं, रोड ब्रेकर। तो ये रोड ब्रेकर जो है ना, ये कितना लश पश बनाया हुआ है इन्होंने, रेनबो टाइप है, रेनबो डिफरेंट कलर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 किस्म के कलर है, अभी ब्लैक नहीं है। ये सेंट्रल लाइब्रेरी है हमारी यूनिवर्सिटी की, ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैं दूर से दिखाऊंगा। ये देखें बिब्लियोटेका सेंट्रल, तो ये सेंट्रल लाइब्रेरी है ये सारी, ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। किस दिन इसका ना मैं विज़िट करवाऊँगा अंदर जा के। और ये क्या बनाया हुआ है, वाओ नाइस, कितना नाइस है यार ये स्टैचू। पास जाके दिखाता हूँ इसको ना, ये स्टैचू है जी, ये पता नहीं किधर स्टैचू है, कोई लिखा नहीं हुआ नीचे इसका नाम, मैं किसी से पूछ के बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में किसी में। लेकिन है ये कोई पुराना, ये कोई पुराना इनका हीरो होगा, इसी वजह से यहाँ स्टैचू बनाते हैं जो भी इनके हीरो होते हैं ना उनके। मेन एंट्रेंस लाइब्रेरी की, और ये लाइब्रेरी है, इधर अंदर आपको नज़र भी आ रहे होंगे, लोग पढ़ रहे होंगे लाइब्रेरी। ये डिजिटल लाइब्रेरी है, डिजिटल। इसके मैं किसी दिन मैं अंदर जाऊँगा और आपको अंदर से दिखाऊँगा इसका माहौल। यहाँ से ना गुजरने का अपना ही मज़ा है, वाह कितना अच्छा लग रहा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और मौसम कितना प्यारा है यार। कुछ स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, ये है जी हमारा यूनिवर्सिटी का कैंपस। ये है जी कैफ़े, ये लिखा हुआ है, ये है जी कैफ़े हमारी यूनिवर्सिटी का, यहाँ आप आके कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं, चाय शाय पी सकते हैं। कुकिंग करते हैं जी खुद ही, इसी वजह से यहाँ हमारा आना कम ही होता है, बल्कि मैं एक दफ़ा भी नहीं आया यार। अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ मैं ना आया करूँ और कभी कभार चाय कॉफ़ी वगैरह जो है वो पी लिया करें। वहाँ पे हैं क्लासरूम्स, ये सारे क्लासरूम्स हैं, ठीक है, और वहाँ भी है क्लासरूम, हर डिपार्टमेंट का अपना एक क्लासरूम होता है। और उसके अलावा जी ये चीज़ें भी यहाँ पर पढ़ने आती हैं, ये देखें। ये कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है हमारी यूनिवर्सिटी में ना, कोई नया डिपार्टमेंट बन रहा है, पहले वो वाला डिपार्टमेंट बना है ये, ठीक है। ये डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक्स का ना, और ये पता नहीं किसका डिपार्टमेंट है, जब बनेगा तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। और यहाँ पे देखें जी कितना पानी खड़ा हुआ, लेकिन ये ना सिर्फ बजरी डालते हैं यहाँ पर ना, बस ये बजरी डाल दी और उसके अलावा जी बस ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि ये पार्किंग है ना गाड़ियों की, तो जहाँ पे भी आपको पार्किंग नज़र आएगी वहाँ पे ये बजरी ज़रूर नज़र आएगी,
और सिर्फ बजरी डालते हैं बस, और कुछ नहीं डालते। ये देखें, ये भी यहाँ पे कितनी है बजरी डाली हुई और गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी करी हुई। वाओ, सच ए नाइस प्लेस, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, लिंदो। और ये एक नई लैब बनी है जी, सेंट्रो द इकोलॉजिया इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिवा। तो ये इकोलॉजी की लैब बनी है यहाँ पे, ये न्यू अभी तकरीबन एक मंथ भी नहीं हुआ इसको ओपन हुए में। तो अभी जी हम जा रहे हैं वापस, ये है हमारी लैब की गाड़ी और ये हमारा हैंडसम सा लैब टेक्नीशियन। इनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो चुकी है, वो इसलिए कि सारा दिन ये घूमते फिरते रहते हैं ना, इसी वजह से आराम नहीं ना करते। तो ये है जी प्यारी सी हमारी यूनिवर्सिटी, खबरें भी लगी हुई हैं वो अभी स्पेनिश में। ये देखें जी बारिश के कतरे और बारिश की ये जो बूंदें हैं ना, बड़ी प्यारी लग रही हैं। यहाँ पे भी रोड ब्लॉक हो चुके हैं फुल यहाँ पे वर्क। व्हाट ये कुछ कह रहे हैं जी हमारे लैब में, वर्क प्लीज वर्क। ओके बात नो, मैं अभी मैं यहाँ पे उतर जाऊंगा और ये गाड़ी लेके आगे चले जाएंगे। ओके नो यू कैन गो नो। ओके बाय। ये कह रहे थे कि अभी ये ग्रीन हो चुका है तो चाओ मीगो। ये है जी हमारी लैब की गाड़ी, इसी पे मटर कश्त करते रहते हैं हम कभी कभी। तो अभी यहाँ बड़ा प्यारा समा हो चुका है, मौसम बड़ा प्यारा बन चुका है, छुट्टी हो गई है लोगों को, अरे अपने अपने घरों जा रहे हैं। बहुत मौसम प्यारा हो चुका है आज यार, कमाल। यहाँ पे खड़े हो गए ना गाड़ियों को चलता देख के मज़ा आता है यार। ये देखिए कितनी लाइन लगी हुई है, वो एंड तक लाइन लगी हुई है। चलो जी हो गया जी, चलो। हाँ जब भी ओपन होता है ना तो कोई भी गाड़ी इस लाइन से आगे नहीं जाती, सारी गाड़ियाँ रुक जाती हैं। ये देखिए जी अभी कोई बस आई है तलका में, यहाँ से सवारियाँ उठा के लेके जाते हैं ये भी यहाँ से। तो यहाँ पे मैं वीडियो का एंड कर रहा हूँ और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको यहाँ जो आज मैंने वीडियो बनाई है वो कैसी लगी। और यहाँ पे इस तरह ही गहमा गहमी होती है। तो अभी मैं जा रहा हूँ जी अपने घर, मैं लैब आया था, बस दो तीन चक्कर लगते हैं रोज़ाना मेरे ना लैब में, कभी लंच करने आता हूँ, कभी क्लास लेने आता हूँ, कभी कोई। तो अभी जी अपने घर में जा रहा हूँ। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहा करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैंने और टॉपिक्स ढूंढे हुए हैं जिन पे वीडियो बनानी है और आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि किस किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। तो चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।